नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बियरलो हाइब्रिड ऐप जो पिछले 2 दिन से लगातार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया है। ये समस्या किसी एक की नहीं है बल्कि पूरे भारत की यही समस्या है कि बियरलो हाइब्रिड ऐप जिसके माध्यम से हमें मतदाता सत्यापन का कार्य सौंपा गया था, जिसमें बियरलो के द्वारा प्रत्येक मतदाता का ऑनलाइन सत्यापन किया जाना था, जो अब बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है। मतलब न के बराबर पिछले 2 दिनों से कार्य हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो ऐप जब 1 सितंबर 2019 को हमारे सामने आया था तो वो चौथे वर्जन में था। उसके बाद में हर तीसरे चौथे दिन बाद इसमें वर्जन अपडेट किया गया, और अपडेट होने के बाद में ज़्यादा लोड पड़ने लगा, और जब ज़्यादा लोड पड़ने लगा तो ये काम करना बंद कर रहा है। हालांकि इस की सूचना है वो आलाकमान तक भी पहुंच गई होगी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का भान रहता है। जल्द ही इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा, और कुछ समस्याएं ये भी हो सकती है हमारी, और कुछ साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी रहे थे कि क्या सभी मतदाताओं का सत्यापन करना अनिवार्य है। मतलब जैसे कि आपकी मतदाता सूची में 100 मतदाता है, उनमें से अगर आपने 98 को कर लिया है और कुछ मतदाता ऐसे हैं जो आपको वहां पर मिल नहीं रहे हैं, या तो किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपका वहां पर 100 का आंकड़ा कैसे पार करेगा, और उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी जानकारी के लिए हमने पता किया, यानी कि आगे हमने पूछने की कोशिश की। तो ये बात समझकर मतलब सामने आई है कि आपको हालांकि उन्हीं मतदाताओं का सत्यापन करना है जो वास्तव में है, क्योंकि आपको जो मतदाता सत्यापन का कार्य सौंपा गया था उसका महत्वपूर्ण काम आपका यही था कि वास्तविक स्थिति आपको हमारे समक्ष प्रस्तुत करनी है। यानी कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको वस्तु स्थिति से में कराना है कि वास्तव में क्या स्थिति है, कि मतदाता जो आपकी मतदाता सूची में है क्या वो सही है या नहीं है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपकी मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 100 है, 100 में से मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो आपको उस मतदान स्थल पर या नहीं मिल रहे हैं, या तो कहीं और जगह पे रह रहे हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सत्यापन का कार्य है वो 100 की संख्या कैसे आएगी? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, अगर कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र भाग संख्या से कहीं और रह रहा है, उस स्थिति में यहाँ पर हम जब मतदाता का सत्यापन करते हैं तो उस समय एक ऑप्शन आता है कि शिफ्टेड, मतलब एबो मेंशनेड इलेक्टर शिफ्टेड एनदर वे, मतलब किसी अन्य स्थान पर वह व्यक्ति चला गया है, वहां पर स्थायी रूप से रहने लगा है, तो उसके लिए तो वो फॉर्म भरोगे। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो आप सत्यापन उसका कर ही नहीं सकते, तो आप सत्यापन वहां नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि आप वहां पर सत्यापन नहीं कर पाओगे, और सत्यापन नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना है वहां पर, उस चीज को आपको 7 नंबर फॉर्म भरना है, और 7 नंबर फॉर्म भरने के बाद में आप उस व्यक्ति को अपनी मतदाता सूची से हटाओगे, क्योंकि अगर नहीं हटाओगे तो वो सत्यापित नहीं होगा। तो आपको इस मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत न सिर्फ मतदाताओं का सत्यापन करना है बल्कि मतदाताओं के किसी भी प्रकार की डेटा में त्रुटि है तो उसमें संशोधन भी करना है आपको। इसके साथ साथ अगर कोई मतदाता जो अभी तक नाम नहीं जुड़ा पाया है वो भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको उन्हें शामिल करना है। अगर उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप उसे अपनी मतदाता सूची में स्थान देने के लिए 6 नंबर फॉर्म भरोगे, और उस 6 नंबर फॉर्म को ईआरओ कार्यालय तक पहुंचाने का कार्य करोगे, क्योंकि यह कार्यक्रम न सिर्फ सत्यापन का है बल्कि वोट को जोड़ने का भी है, मतलब मतदाता को जोड़ने का भी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, 6 नंबर फॉर्म भी भरोगे, इसके साथ साथ 7 नंबर फॉर्म किसी को हटाने के लिए, अगर कोई संशोधन है तो 8 नंबर फॉर्म भरोगे। और कुछ मतदाता हमारे पास इस रूप में भी आते हैं कि उनका मतदाता पहचान पत्र है वो खो गया है और वो नया एपिक कार्ड लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसको 001 फॉर्म भी भरोगे, क्योंकि
30 अक्टूबर के बाद, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले पहले ये काम होगा, और 30 अक्टूबर के बाद है वो एक नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इससे पहले हमें सारा कार्य पूर्ण करना है। अगर आप इस बारे में लेकर भी काफ़ी ये महसूस कर रहे हो कि हमारा ऐप क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सारे देश की समस्या है, पूरे देश में ऐप एक साथ कार्य कर रहा है, ऐसी स्थिति में कुछ तकनीकी खामियां भी आ गई होगी जिसके चलते एप्लीकेशन बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो कार्य जिस तरह से आपसे हो रहा है उसी तरह से आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन भी कार्य नहीं करेगा तो हम कार्य कैसे कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। काम अगर एप्लीकेशन अच्छे ढंग से काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको काम उसी रूप में करना है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो किसी के यहाँ पर भी यह एप्लीकेशन कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि अब हमें इसके साथ दूसरा कार्य कौन सा करना है। अब हम बात करेंगे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम, जो 1 सितंबर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक चलाया जा रहा है, यानी कि 15 अक्टूबर या अभी अक्टूबर तक ये कार्य अभी चलेगा, जिसके माध्यम से हमें कौन कौन से कार्य संपन्न करने हैं, एक बीएलओ के रूप में और एक सुपरवाइजर के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, आप इस कार्य को किस प्रकार से सफल बनाते हो, इसके माध्यम से आपको कौन कौन से कार्य संपन्न करने हैं, उन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम जो आपको कहा गया था कि कौन कि घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना है। सबसे पहले जब 1 सितंबर 2019 से कार्य आरंभ हुआ था तो उस समय हमें ये कहा गया था कि आपको घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना है। जैसे ही हमने ये कार्य प्रारंभ किया उस समय वर्जन 4 काम कर रहा था, और जो वर्जन 4 काम कर रहा था उसके अंतर्गत हमें ये कहा गया था कि आप किसी भी मतदाता को सत्यापन करने के लिए डॉक्यूमेंट के नंबर ले लीजिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के आपको नंबर लेने थे। उन नंबरों के माध्यम से आप जैसे ही उसको एप्लीकेशन के माध्यम से एंटर करते थे तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से वह उसकी डेटा है वो एंटर हो जाती थी और उसकी सारी एंट्री हमारे समक्ष आ जाती थी। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही 5वां वर्जन आया, 6ठा वर्जन आया, तो 6ठा वर्जन आता है तो 6ठे वर्जन के बाद में क्या हुआ कि उस समय हमें ये कहा गया कि आप न सिर्फ मतदाताओं के किसी पहचान पत्र की, यानी कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट की नंबर लोगे, बल्कि उसका एक फोटो भी साथ में अपलोड करोगे, किसी भी मतलब जो प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट दिया जाता था उसका हमें न सिर्फ नंबर देना होता था बल्कि एक डॉक्यूमेंट की प्रति भी हमें देनी होती थी, जो ऑनलाइन उसे अपलोड करना होता था। उसके पश्चात ये समस्या हो गई कि कुछ बीएलओज ने पहले कार्य इस रूप में शुरू कर दिया कि उन्होंने सबसे पहले तो घर घर घूमकर उनके सारे डॉक्यूमेंट के नंबर ले लिए ताकि एक एक स्थान पर बैठकर वो कार्य को आसानी से कर सके, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये काम करना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे ऐप में अपडेट होता गया वैसे वैसे हमारे लिए समस्याएं बढ़ती गई। उसके बाद में एक और हमें पोलिंग स्टेशन का जीपीएस लोकेशन भी सबमिट करना था, वो केवल वर्जन 4 में ही कार्य कर रहा था, 4 से भी पहले 3 वर्जन में ही कार्य कर रहा था। उसके बाद में पोलिंग स्टेशन जीपीएस लोकेशन को बिल्कुल भी नहीं दर्शाया गया। उसके बाद में जैसे आपने घर घर काम करना शुरू किया जो उसके पश्चात आपको ये कहा गया कि आप परिवार का निर्माण भी करोगे, मतलब पहले तो मतदाताओं का सत्यापन, उसके बाद में उसके साथ साथ एक परिवार का निर्माण करोगे जिससे कि ये ध्यान हो जाए कि कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा मतदाता किस परिवार से संबंध रखता है। उसके बाद में दरअसल ये जो मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया गया है 1 सितंबर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक, उसमें आपको मूलतः तो सत्यापन का कार्य सौंपा गया है, लेकिन इसके साथ साथ 30 अक्टूबर को जो अंतिम रूप से मतदाता सूचियों का प्रकाशन होने वाला है उसको ध्यान में रखकर कुछ नए मतदाताओं की को भी जोड़ना है। अगर वह कोई मतदाता अगर कोई दोहरी प्रविष्टि है उनको भी हटाना है, और नए एपिक कार्ड लेना चाहते उनके लिए भी अप्लाई करना है,
इसके साथ साथ कोई नाम अगर कोई किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या फिर कहीं और शिफ्टेड हो गया है, ऐसी स्थिति में भी उनको वहां से हटाना था। तो ये सारे के सारे कार्य आपको इस ऐप के माध्यम से ही करने थे। इस प्रकार से आप अपने कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय रहते ये काम पूरा करवाने के लिए जल्द ही इस ऐप को अपडेट कर दिया जाएगा या फिर एक नए सिरे से हमें इसकी सूचना मिल जाएगी। तब तक के लिए आप अपने ईआरओ से, सुपरवाइजर से संपर्क में रहें। जिस प्रकार के आपको निर्देश मिलते हैं उसी के अनुरूप ही आपको कार्य करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।